हमास ने सीज फायर समझौते के चीथड़े उड़ा दिए। इसराइल के घर में घुसकर हमास ने दोबारा 7 अक्टूबर जैसा हाहाकार मचा दिया। हमास के अंदर का हैवान जाग उठा और इसराइल बस हाथ मलता रह गया। उसकी पुलिस, सेना, सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। दिन शुरू ही हुआ था कि सुबह सुबह हमास के दो लड़ाके गोला बारूद से भरी एक कार लेकर इसराइल के यरूशलम के एक बस स्टैंड पर पहुंचे। वहां लोग बस के इंतजार में खड़े थे, तभी हमास के दोनों लड़ाके कार से उतरे और पिस्तौल और असॉल्ट राइफल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दिन दहाड़े खुलेआम हमास ने इसराइल के बीच सड़क पर कोहराम मचा दिया, पूरे यरूशलम में गदर मचा दिया। जो सामने दिखा हमास के लड़ाकों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। क्या बुजुर्ग क्या जवान, हमास के लड़ाकों ने सामने खड़े हर इजरायली को बेरहमी से अपना निशाना बनाया। हमास के महज दो हमलावरों ने इजरायल में चीख पुकार मचा दी। हमास ने यह हमला यरूशलम में किया, उस यरूशलम में जिसमें इजरायल की जान बसती है, जिसे इजरायल अपनी राजधानी बताता है, जिसके लिए इजरायल मरने मारने के लिए तैयार रहता है। उस यरूशलम शहर के ठीक एंट्री पर घुसकर हमास ने कत्लेआम मचा दिया। वो भी उसी तरह जैसे करीब दो महीने पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने गाजा से इसराइल में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारा था। तब हमास के करीब 3000 लड़ाके इसराइल में घुसे थे, जिन्होंने इसराइल में लगभग 1200 लोगों की जान ले ली थी। मगर इस बार हमास ने अपने सिर्फ दो लड़ाके भेजे, जिन्होंने इसराइल में 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। यानी इसराइल के लोगों की जान लेने के लिहाज से हमास का यह हमला 7 अक्टूबर वाले हमले से भी ज्यादा घातक साबित हुआ, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि 7 अक्टूबर को तो हमास के हर 5वें लड़ाके ने इसराइल में 2 लोगों की हत्या की थी। मगर यरूशलम के हमले में हमास के सिर्फ 2 लड़ाकों ने ही इसराइल के 3 लोगों को मार डाला। उन्होंने 73 साल के एक बुजुर्ग की हत्या की, 67 साल की एक महिला को मार डाला और 24 साल की एक जवान महिला भी हमास के हमले का शिकार हो गई। हमास ने गाजा की सुरंगों से निकलकर इसराइल की सड़कों पर खूनी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू इस हमले से पहले हमास पर हमला करने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां करने के दावे कर रहे थे। वो इसराइल के लोगों को कह रहे थे कि बस एक बार हमास के चंगुल से सभी बंधक निकल जाएं, फिर इसराइल हमास पर वो बिजली गिराएगा कि किसी को हमास के वजूद के सबूत ही नहीं मिलेंगे। माना जा रहा है कि सीज फायर खत्म होने के बाद इसराइल का प्लान दक्षिणी गाजा में घुसने का है। उत्तरी गाजा में इसराइल तबाही मचा ही चुका है, इसलिए कहा जा रहा है कि अब इसराइल दक्षिणी गाजा के खान यूनिस जैसे बड़े शहर को टारगेट करेगा, क्योंकि हमास के बड़े बड़े कमांडर इसराइल के हमलों से बचने के लिए दक्षिणी गाजा में ही पनाह लिए बैठे हैं और याहिया सिनवार जैसे हमास के बड़े नेता के भी वहीं होने की आशंका है। लेकिन इसराइल की ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और इसराइल के हमले से पहले हमास ने ही यरूशलम पर अटैक कर दिया। हालांकि हमास के दोनों लड़ाके तभी इसराइल के हाथों मारे गए, मगर उन्होंने इसराइल के 3 नागरिकों का दम निकालने के बाद ही अपना दम तोड़ा। 7 अक्टूबर का हमला इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसने इसराइल को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। जिस इसराइल की ताकतवर सेना और जबरदस्त खुफिया तंत्र की पूरी दुनिया दाद देती है, उसे हमास के प्लान की भनक तक नहीं लगी।
तभी से इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था और उसके इंटेलिजेंस पर सवाल उठ रहे हैं। मगर उस हमले के बाद से तो इसराइल की पुलिस और सेना हाई अलर्ट पर है। इसके बावजूद हमास ने दोबारा इसराइल की सुरक्षा को भेद डाला और इसराइल इस बार भी बस देखता रह गया। इसराइल गाजा में बनी सुरंगों में हमास के लड़ाकों को ढूंढ रहा है और खून के प्यासे हमास के लड़ाके प्रेत की तरह इसराइल की सड़कों पर घूम रहे हैं। जो हमास अब तक इसराइल से बचने के लिए गाजा में जमीन के अंदर सुरंगें बनाकर अपना अड्डा चला रहा था, उस हमास ने अब इसराइल की सड़कों पर सर उठाकर हमले शुरू कर दिए हैं और इसराइल बेबस है। इसराइल बस सीज फायर की धुनी रमाने में लगा है, हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाकर अपनी पीठ थपथपाने में लगा है, लेकिन वो अपने उन नागरिकों की ही हिफाजत नहीं कर पा रहा जो खुद इसराइल में मौजूद है। इसराइल हमास की कैद में रहे करीब 240 बंधकों की सुरक्षा की बात कर रहा है, उन्हें इसराइल लाने की बात कर रहा है और हमास इसराइल में घुसकर ही लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। नेतन्याहू धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं कि उन्होंने भले ही सीज फायर किया है लेकिन इसराइल की जंग खत्म नहीं हुई है, उसकी जंग जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक हमास मिट्टी में नहीं मिल जाता। אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת. נחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו. लेकिन हमास तो सीज फायर की फिराक में ही बैठा था। इसराइल सीज फायर में सुस्त पड़ गया लेकिन हमास ने साजिशें बुनना बंद नहीं किया, वो इसराइल से बदला लेने की प्लानिंग में जुटा रहा। उल्टा इसराइल ने हमास के साथ सीज फायर एक दिन के लिए और बढ़ा दिया और सीज फायर बढ़ते ही हमास ने अपना रंग दिखा दिया। उसने बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत यरूशलम पर धावा बोला और इसराइल की चूलें हिलाकर रख दी। यरूशलम पर अटैक हमास की बहुत बड़ी कामयाबी है, ऐसी कामयाबी जो उसे 7 अक्टूबर को भी नहीं मिली थी। 7 अक्टूबर को हमास यरूशलम तक नहीं पहुंच पाया था मगर इस बार उसने यरूशलम में खून खराबा किया, क्योंकि यरूशलम को इसराइल अपनी राजधानी बोलता है जबकि फिलिस्तीन भी पूर्वी यरूशलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है, मगर इसराइल पूरे के पूरे यरूशलम पर कब्जा किए बैठा है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच यरूशलम विवाद की जड़ है, इसलिए हमास ने उसी यरूशलम पर हमला किया और इसराइल को चेतावनी दे डाली कि उसके यरूशलम पर राज के दिन अब लदने वाले हैं।